So hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Shashi Kumar and currently I am pursuing my third year of MBBS. यार ये जो वीडियो है, ये जो डाउट है, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, ये क्वेश्चन नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हुए बहुत सारे स्टूडेंट का एक डाउट होता है, भैया मेरा बैकलॉग लग गया है, इस बैकलॉग को कैसे कंप्लीट करें। आज का जो वीडियो है ना, इस वीडियो के थ्रू तुम्हें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, तुम्हें कंप्लीट तरीका मिल जाएगा। पहले मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर कर दे रहा हूं, एक स्टोरी शेयर कर दे रहा हूं, जिसके जिसके थ्रू ही आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। मेरी बातों को ध्यान सुनना यार। मान लो कि आपको एक घर बनानी है, ठीक है, आपको क्या करनी है, एक घर बनवानी है। उस घर को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट हो? पहला तो यार जितना भी सामान है वो सारा सामान मटेरियल, दूसरा यार मिस्त्री, तीसरा लेबर, और भी चीजें हैं लाइक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इंजीनियर जो उस घर का मैप तैयार करके मुझे देगा, जिस मैप पे ये सारे लोग काम करेंगे। भैया ये घर का जो काम है ना, ये रुका हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो की पर्सन है ना, इस पूरे प्रोजेक्ट का जो की पर्सन है वो है ये इंजीनियर। ये इंजीनियर जब तक मैप बना के नहीं देगा, घर का काम स्टार्ट नहीं होगा, और जिसकी वजह से घर का काम रुका हुआ है। और ये हो गया की पर्सन इस प्रोजेक्ट का, ये मैप बना के देगा तो घर का काम स्टार्ट होगा। मित्र एक चीज ध्यान सुना कि ये जो घर है ना, ठीक है, जब ये इंजीनियर्स घर का मैप देंगे काम स्टार्ट होगा, लेकिन यार और भी कुछ काम है जो हो सकता था, लेकिन यार वो भी काम रुका हुआ, क्योंकि ये जो मिस्त्री है ना, इसके दिमाग में एक डाउट है कि यार जब तक मैप बना के नहीं दे देंगे कैसे हम काम स्टार्ट करते, कैसे हम खुदाई कर सकते हैं, और भी चीज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे। पता है क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जब तक मैप नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं स्टार्ट करेंगे, और मैप देने का जो आदमी है वो अभी प्रेजेंट नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान सुना, ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या किया गया, इस इंजीनियर से कॉन्टेक्ट किया गया, आप कब मुझे मैप बना के दोगे? इंजीनियर ने बोला कि 2-3 दिन के बाद हम आपको मैप दे देंगे। 2-3 दिन नहीं, एक परफेक्ट डेट बोला कि 3 दिन के बाद हम आपको मैप हम दे देंगे। तो ये जो मिस्त्री थे, ये मिस्त्री ने क्या किया कि जो काम था रुका हुआ, जो कर सकते थे लाइक जमीन को प्लेन करना है, कुछ हटाना है, ये सब काम ये मिस्त्री करवाना शुरू कर दिए। ये अगले 3 दिन तक बाकी जितने भी काम थे वो कर लिए, फिर इन्होंने मैप दिया, फिर मैप के अकॉर्डिंग जो भी प्लॉट पे अपना जो भी करना था वो करना शुरू हो गया। समझ में आ गया मेरी बात? आपको इस चीज से क्या सीख मिला, इस स्टोरी से क्या सीख मिला, इस इंसिडेंट से क्या सीख मिला? देखो ये जो इंजीनियर थे ना, ये की पॉइंट था, इसने पूरे काम को रोक रखा था, और जैसे ही इसने एक फिक्स डेट बताया कि 3 तारीख को मैं आपको मैप दे दूंगा, मिस्त्री के दिमाग में एक थॉट आ गया कि यार 3 तारीख फिक्स डेट है जिसमें हमको मैप मिल जाएगा, उससे पहले ये जो 2-3 दिन बचे हुए इसमें हम साफ सफाई करवा सकते हैं जमीन वगैरह का। तो जो बचे हुए काम थे, जो पीछे काम थे ना, जो रुका हुआ था इस वजह से, मैप के वजह से जो काम रुका हुआ था वो भी हो गया। क्या समझ में आया इससे? और यहाँ पे एक और चीज फिक्स किया गया कि शेड्यूल 3 तारीख का डेट दिया गया कि मैं 3 तारीख को आपको मैप दे दूंगा। अब देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, आखिर बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करते हैं, बैकलॉग्स कैसे कंप्लीट करते हैं। जब भी आपका कोई बैकलॉग लगा होता है, क्या होता है कि उस चैप्टर के वजह से, उस या फिर कॉन्सेप्ट की वजह से बाकी के जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी हम सीखने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में एक थॉट रहता है यार कि जब तक वो हम नहीं समझेंगे, जब तक चैप्टर नंबर 2 मुझे समझ में नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 3 हम कैसे करेंगे। समझ में आ गया? हम क्या करते हैं, हम करते क्या है, हम सॉल्यूशन इसका कैसे ढूंढेंगे? तो यार हम क्या करेंगे कि अगले दिन संडे है, अगले दिन संडे या फिर 2 दिन के बाद संडे आएगा, उस दूसरे दिन में हम क्या करेंगे, हम अपना बैकलॉग को कंप्लीट करेंगे। हम एक शेड्यूल बना दिए कि उस दूसरे दिन में मुझे कंप्लीट करना है, बाकी का जो दिन है ना, उस दिन से पहले का जो दिन है वो भी दिन मेरे लिए इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम अपना काम कर सकते हैं, उस दिन को भी हम यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया मेरी बात? जब भी आपको कोई बैकलॉग लगता है, आप एक काम करो कि की रीजन को ढूंढो, की रीजन आखिर क्यों बैकलॉग लगा हुआ है। ये की रीजन जैसे ही आपको समझ में आ जाता है, आप क्या करो, एक फिक्स शेड्यूल डालो कि मुझे अगले संडे या फिर अगले दूसरे दिन के बाद शाम में मुझे इस बैकलॉग पे काम करना है, तब तक मुझे रिलैक्सेशन महसूस होगा, हम उस प्रेशर में नहीं रहेंगे जो पहले थे। जैसे ही हम अपने शेड्यूल को फिक्स कर देंगे कि मुझे इस दिन में बैकलॉग को कंप्लीट करना है, फिर मेरा पीछे का काम भी होगा वो भी होना शुरू हो जाएगा। मित्र यही स्ट्रेटेजी है बैकलॉग को कंप्लीट करने का। फाइन, अब मैं तुम्हें कुछ सिखा रहा हूं, ध्यान सुना यार। जब आपका बैकलॉग लगा होता है किसी भी इंसिडेंस में, लाइक मान लो कि
आप किसी वैकेशन में हो, ठीक है, आप किसी वैकेशन में हो तो उस वैकेशन में आप बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। आगे इस वीडियो में आपको तरीका बताऊंगा कैसे आप बैकलॉग कंप्लीट करोगे। 5 मिनट मेरे बातों को और ध्यान सुनना। आप क्या कर सकते हो यार कि वैकेशन वगैरह में उस चीज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। स्टार्ट कैसे करना है भैया, मान लो कोई मेरा चैप्टर बैकलॉग लगा हुआ है, कैसे हम स्टार्ट करेंगे? आप इजी पोर्शन से स्टार्ट करो, पहले इजी पोर्शन क्लियर करो, ठीक है। इसके लिए आप लेक्चर्स देखो, इसके लिए बुक्स पढ़ो, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये सब काम आप वैकेशन वाले दिन में भी कर सकते हो, या फिर आप कोई फिक्स शेड्यूल डालो कि संडे को मुझे करनी है। मान लो कि यार आप रेगुलर क्लासेस जा रहे हो। अब इस रेगुलर क्लासेस में कैसे बैकलॉग कंप्लीट करेंगे? यार जब भी कोई बैकलॉग लगाओ, मान लो कोई चैप्टर का बैकलॉग लगाओ, ठीक है, तो आप क्या करना, किसी फ्रेंड से कॉपी वगैरह लेके उसका आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो तो यार आप अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो कि भाई मुझे समझा दे, ये चैप्टर तुमने क्लास में था ना तो मुझे समझा दो, वो आपको समझा देंगे। दूसरा पॉइंट सुनना कि अगर आप ऑनलाइन क्लास में हो देन आपको बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए YouTube सबसे बड़ा सोर्स है, जहां से आप हर एक चीज को कंप्लीट कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा कैसे करोगे, ठीक है। देखना ध्यान से कि आखिर बैकलॉग्स को कैसे कंप्लीट करना है, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। भैया जो आपका प्रेजेंट में क्लास चल रहा होगा ना, प्रेजेंट में जो भी लेक्चर चल रहा होगा उसको कंटिन्यू करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई चैप्टर बैकलॉग में है तो उस चैप्टर के वजह से प्रेजेंट का चैप्टर को रोकना मत, ठीक है। प्रेजेंट का टॉपिक को होने देना, डू नॉट लेट योर प्रेजेंट चैप्टर एज अ बैकलॉग, प्रेजेंट चैप्टर को बैकलॉग मत बनने देना, ठीक है। और दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक जो हर एक स्टूडेंट करते हैं कि पीछे का चैप्टर बैकलॉग में लगा हुआ है उसको कंप्लीट करने के चक्कर में जो प्रेजेंट में चल रहा है उसको बैकलॉग लगने देते हैं, और ये काम आपको नहीं करना है। अब मान लो एक डाउट होगा कि अगर मान लीजिए कि जो चैप्टर चल रहे हैं वो पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना है? डोंट थिंक मच। आपको क्या करना है कि आप क्लास अटेंड करो, ठीक है, नोट्स बनाओ, ठीक है, ताकि यार आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, नोट्स वगैरह बनाओ, और जो क्लास में चल रहा है ना एटलीस्ट आपको पता तो रहेगा ना कि क्या चल रहा है, ठीक है, सुने तो रहोगे ना, जब दोबारा से आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे आप अपने दोस्त का हेल्प ले सकते हो कि जो भी दोस्त होंगे जो क्लास किए होंगे वो आपको हेल्प करेंगे समझने में। समझ में आएगा मेरे बात? नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रिसोर्स को आप यूज कर सकते हो बैकलॉग्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। यूट्यूब, गूगल, थ्योरी बुक, डाउट क्लासेस या फिर फ्रेंड्स। यूट्यूब तो सबसे बड़ा रिसोर्स है, जहां पे आप चैप्टर सर्च करोगे ना आपको तुरंत कोई ना कोई टीचर आ जाएंगे जो आपको पढ़ा देंगे। आप गूगल से पूछ सकते हो, गूगल पे बहुत लोग पढ़ते हैं यार, विकिपीडिया एक ऐसा चीज जहां पे बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास रहता है, ठीक है। या फिर थ्योरी बुक्स आप पढ़ सकते हो, या फिर आप अपना डाउट क्लास को यूज कर सकते हो, जो हर एक कोचिंग में होता है डाउट क्लास उसको यूज कर सकते हो, वहां पे कोई डाउट आते आप डाउट पूछ सकते हो। और सबसे बड़ा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए था, फ्रेंड से आप कंसल्ट कर सकते हो, वो आपको पूरा समझा देंगे अगर पढ़ने वाले फ्रेंड होंगे। अब देखो दूसरा चीज जो मैंने बताया, की पॉइंट पे काम करना। आप एक शेड्यूल को फिक्स करो कि इस बैकलॉग्स को मुझे कब कंप्लीट करना। यू कैन डू दिस इन नाइट। ऐसा भी कर सकते हैं कि यार आज रात में 2 घंटा मैं बैकलॉग्स को दूंगा। अगर जैसे ही आप शेड्यूल फिक्स कर देते हो ना, तो बाकी के जो टाइम है ना, जैसे आज रात में मुझे काम करना बैकलॉग्स पे, तो अभी से रात का जो काम होगा ना वो इफेक्टिवली मैं यूज कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं थिंकिंग करते रहूंगा कि यार कैसे करे। तो आप एक फिक्स शेड्यूल कर दो कि मुझे रात में कर लेना है या फिर मुझे नेक्स्ट संडे को कर लेना है। समझ में आ गया? आपको करना क्या है कि जो होल्ड पूरे दिन आप अपने प्रेजेंट टॉपिक पे काम करो और रात में बैकलॉग पे काम करो। देखो कुछ रीजंस मैं बता दे रहा हूँ, इस रीजन को दोबारा कभी होने मत देना, ठीक है। आखिर बैकलॉग लगते कैसे हैं? बैकलॉग लगने का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आप किसी बैच को लेट ज्वाइन कर रहे हो, या फिर आप क्लास को बार बार बंक कर रहे हो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई टास्क दिया जाता है आप उस टास्क को समय पर करते नहीं हो, फिर अगला दिन दूसरा टास्क मिल जाता है, फिर अगला दिन तीसरा टास्क मिल जाता है, तो इसके वजह से भी बैकलॉग लगते जाता है। तो यार ये सब चीज होने मत देना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन जो आप करते हो, बिगेस्ट इशू यार कि हम टफ चीजों को करना ही नहीं चाहते। जैसे कोई भी टफ चीज हो गया ना उसको हम कल कर लेंगे, ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने वाला काम हटाना पड़ेगा और एक्सक्यूज देने वाला कि कुछ एक्सक्यूज दे रहा है जिसके वजह से मेरा बैकलॉग चलते जा रहा है। भाई ये सब चीजें पे आपको वर्क करना पड़ेगा, ये सब रीजन को दोबारा नहीं देना पड़ेगा, काम को टालने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब देखो यार एक और चीज बता रहा हूँ कि आप बैकलॉग से फ्यूचर में कैसे स्टे अवे रहोगे, दूर कैसे रहोगे। तो ये जो रीजंस मैंने अभी बताया ना ऊपर, इस रीजन पे आपको काम करना पड़ेगा, ये रीजंस दोबारा कभी होने मत देना। एटलीस्ट डिसिप्लिन रहो अपने पढ़ाई को लेके, अगर डिसिप्लिन रहते हो, ठीक है, डिसिप्लिन रहते हो तो आपका कभी बैकलॉग लगेगा ही नहीं। डिसिप्लिन कहने का मतलब जो टास्क तुम्हें आज मिलती है उसको आज तुम कंप्लीट करोगे, तुम हर रोज क्लास जाओगे, तुम कभी क्लास को बंक नहीं करोगे तो कभी आपका बैकलॉग लगेगा ही। और यार नेवर प्रोक्रेस्टिनेट, आप कभी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे।
थोड़ा थोड़ा यार हर एक स्टूडेंट करते हैं, लेकिन अगर आप बार बार ये चीज कर रहे हो तो ये बहुत गलत है। डिसिप्लिन रहोगे ना तभी आपको एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। आई होप आपको एक आइडिया मिल गया हो कि ये बैकलॉग को कैसे कंप्लीट किया जाता है, बैकलॉग रीजन क्या होते हैं लगने के, ये सारा चीजों को मैं इस वीडियो में कंक्लूड कर दिया। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उस पर कोशिश करूंगा वीडियो बनाने का। अगर चैनल पे पहली बार आया हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर।